हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बीए फाइनल ईयर राजनीतिक विज्ञान फिफ्थ यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड बीए फाइनल ईयर का पहला चैप्टर है, पहली यूनिट है इसमें प्रशासन। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशासन शब्द का मतलब है। तो दोस्तों, प्रशासन शब्द का मतलब होता है प्रबंध करना। प्रशासन शब्द निम्नलिखित में से लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, एड प्लस मिनिस्ट्रियर। तो प्रशासन शब्द एड प्लस मिनिस्ट्रियर से बनकर तैयार हुआ है। प्रश्न नंबर 3, प्रशासन एक लंबा तथा अलंकारयुक्त शब्द है किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है, किसने कहा है? ये कहा ई.एन. ग्लैडन ने। ई.एन. ग्लैडन ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, लोक प्रशासन का जनक किसे समझा जाता है? तो इसका सही जवाब है वुडरो विल्सन को। क्वेश्चन नंबर 5, किसने राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के मध्य अंतर संबंधों को प्रशासनिक राजनीति कहा? ऑप्शन बी पीटर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने कहा यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा? तो इसका ऑप्शन सी W.B. डोनहन सही है। प्रश्न नंबर 7, किस शताब्दी तक लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग में नहीं था? तो इसका सही जवाब है 19वीं शताब्दी तक लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं था। प्रश्न नंबर 8, शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है? तो दोस्तों, प्रशासन शब्द का मतलब होता है कार्यों का प्रबंध करना, इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 9, लोक प्रशासन के उद्भव का इतिहास सामान्यतः कितने चरणों में विभक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 चरणों में। प्रश्न 10, प्रशासन ही राजनीति है यह विचार है? ऑप्शन डी पोल एच FLB का। प्रश्न नंबर 11, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसमें वर्ग संघर्ष तत्व आवश्यक नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, लोक प्रशासन के विकास में किस देश का सर्वाधिक योगदान हुआ है? तो सबसे सर्वाधिक योगदान हुआ है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA का, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका लोक प्रशासन के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश में लोक प्रशासन के अध्ययन की कानूनी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी। इन तीनों ही देशों में कानूनी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी तीनों ही सही है। प्रश्न नंबर 14, लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव किस सन में हुआ? तो इसमें तीन ऑप्शन दिए गए, तीनों ही गलत है, लोक प्रशासन का विषय उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 15, लोक प्रशासन एक कला है क्योंकि? ऑप्शन बी प्रशासक प्रशिक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं न कि पैदा होते हैं, ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 16, लोक प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे नियमों और स्वयंसिद्ध सूत्रों का विकास हो गया है जिसके बारे में अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि व्यवहारिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं और उनके सहारे पूर्व अनुमान लगाए जा सकते हैं, यह विचार किसका है? ऑप्शन बी चार्ल्स ए बियर्ड का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा लोक प्रशासन के व्यवहारवादी अध्ययन के क्षेत्र है? अभिप्रेरणा, नेतृत्व, निर्णय निर्माण, उपयुक्त सभी। तो अभिप्रेरणा, नेतृत्व, निर्णय निर्माण ये तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से लोक प्रशासन के अध्ययन की कानूनी पद्धति का प्रयोग किस देश से लिया गया है? फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें मैक्सिमम होता है अगर तीन ऑप्शन सही है, चौथे में दिया गया उपयुक्त सभी, तो हम ऑल ऑफ द अबोव यानी कि उपयुक्त सभी पर ही टिक लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, यानी कि तीनों।
तो दोस्तों अब कोरोना वायरस के चलते जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें केवल कोई भी 75 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम 100 क्वेश्चन करते हैं तो जो फर्स्ट 75 क्वेश्चन है केवल वही चेक होंगे, इसलिए हमें 25 क्वेश्चन छोड़ने हैं और जो आते हैं केवल 75 क्वेश्चन ही करने, मैक्सिमम 75 क्वेश्चन, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी हमें 75 क्वेश्चन ही करने हैं फाइनल ईयर में। ठीक है दोस्तों, जो आते हैं कोई भी 75 क्वेश्चन करने हैं। चलो अब आते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिन्नोब्रुक सम्मेलन का विचारणीय विषय था? ऑप्शन बी परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। प्रश्न नंबर 20। वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र की विधि के कार्यान्वयन के समान मानता है? तो इसका सही जवाब वुड्रो विल्सन। क्या है इसका? वुड्रो विल्सन। वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रशासन के कार्यकलापों के क्षेत्र को लोक नीति के कार्यान्वयन तक सीमित मानता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी एल डी वाइट। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है, बहुत सी अन्य वस्तुओं के समान प्रशासन भी अपने अंतिम विश्लेषण में एक मानवीय समस्या है जिसका संबंध सांख्यिकीय आंकड़ों से नहीं वरन मनुष्य से है? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं पीटी नेहरू, इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। प्रश्न नंबर 23। संकीर्णतम दृष्टि से लोक प्रशासन संबंधित है, तो यह कार्यपालिका के कार्यों से। प्रश्न नंबर 24। लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है ए लाभ कमाना, आय व्यय के बीच सहसंबंध रखना, स्वायत्तता, तो ये तीनों ही लक्षण नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त तीनों। लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है ऑप्शन सी स्वायत्तता। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन ए कानून के अनुरूप कार्य करना ये भी ठीक है, जन उत्तरदायित्व ये भी ठीक है, एकाधिकार ये भी ठीक है, तो कौन सा लक्षण नहीं होना चाहिए? स्वायत्तता। प्रश्न नंबर 26। लोक प्रशासन के तत्व एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम एफ मार्क्स के जो द्वारा। 27। एक स्थायी संस्था है, स्थायी परमानेंट क्या है? लोक प्रशासन, ऑप्शन बी लोक प्रशासन चैप्टर का नाम है, तो इसलिए हम लोक प्रशासन ही इसका सही जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। सामाजिक परिवर्तन को दिशा प्रदान करता है प्रशासन, ही हम पढ़ते आ रहे हैं इसलिए प्रशासन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता माना जाता है? ऑप्शन ए वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी एल डी व्हाइट, विलोबी फ्रेडरिक्स, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा फ्रेडरिक्स। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य नव लोक प्रशासन के विषय में सही है? तो इसका ऑप्शन डी, यह लोकतांत्रिक निर्णय पर विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 31। प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है? कैसे का अर्थ क्या है? प्रबंध की तकनीक। प्रश्न नंबर 32। लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इस विचार का विरोध किसने किया? तो इसका विरोध किया फाइनर ने। प्रश्न नंबर 33। प्रशासन का स्वरूप सब स्थानों पर समान ही होगा, यह व्याख्या करता है? ऑप्शन ए प्रशासन के एकीकृत स्वरूप की। प्रश्न नंबर 34। गत्यात्मक रूप से लोक प्रशासन को सरकार के बदलते हुए कार्यों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है, किसने कहा है? ग्लेडन ने। प्रश्न नंबर 35। लोक प्रशासन सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का साधन है, यह स्पष्ट करता है कल्याणकारी दृष्टिकोण को। प्रश्न नंबर 36। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ, किसने कहा? अमेरिका में। यानी कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। पहले का भी आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका था और इसका भी आंसर अमेरिका ही है। प्रशासन शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? ये लिया गया लैटिन भाषा से, जितने भी वर्ड मैक्सिमम लिए जाते हैं वो लैटिन भाषा से ही लिए जाते हैं। राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का समर्थन करने वाले का नाम बताएं? वुड्रो विल्सन। देखो पहले का आंसर भी वुड्रो विल्सन था और इसका भी वुड्रो विल्सन ही है।
प्रश्न नंबर 39, लोक प्रशासन का पाठ्यक्रम एक स्वतंत्र विभाग के रूप में सबसे पहले 1949 में किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ इलाहाबाद में, और सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद ही है, ठीक है, तो इसका आंसर इलाहाबाद ही होगा। इसमें सम्मिलित करना है डी वी करवे, ये जो करवा था, ठीक है दोस्तों, तो इसने सूची टू में तीसरा पॉइंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए डेमोक्रेसी ये कहा था इसने, ठीक है। ऑप्शन बी एम पी फोलेट, इसने कहा था क्रिएटिव एक्सपीरियंस। सी एफ जे गुडनाउ, इसने कहा था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो डी मैकियावेली है, इसने कहा था पॉलिटिक्स, वो द प्रिंस, मैकियावेली प्रिंस था, मैकियावेली प्रिंस था, तो इसलिए इसका हो जाएगा द प्रिंस। क्वेश्चन नंबर 41, विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडरो विल्सन का, ठीक है दोस्तों, वुडरो विल्सन, जहाँ भी वुडरो विल्सन दिख जाए एकदम लगा दियो वुडरो विल्सन। उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ ट्रिबुलेंस पुस्तक के लेखक है, तो इसका है डी वाल्डो। लोक प्रशासन आधुनिक सरकार की समस्या का मर्म है, किसने कहा? एल डी व्हाइट ने। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारिक दृष्टिकोण के जनक इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्बर्ट साइमन, साइमन, ठीक है दोस्तों। 45, विज्ञान पूर्णतः तथ्य पर आधारित है एवं लोक प्रशासन में तथ्यों के साथ मूल्यों का भी समन्वय है, इससे स्पष्ट है कि लोक प्रशासन है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा विज्ञान तथा कला दोनों में, विज्ञान जो साइंस होती है, लोक प्रशासन जो है विज्ञान और कला दोनों में होता है। किसने कहा प्रशासन का अर्थ किसी भी कार्य को करने अथवा कार्यों का प्रबंध करने से लिया जाता है? कानून में यह शब्द विशेषकर किसी मृतक व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में आता है, अधिकतर इसका अर्थ सरकार और विशेषकर कार्यपालिका एवं उससे संबंधित शासन में होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। प्रश्न नंबर 47, लूथर गुलिक उर्विक तथा हेनरी फेयोल किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो ऑप्शन सी पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण से, पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण से। 48, राजनीति और लोक प्रशासन के मध्य पृथक्करण की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब है वुडरो विल्सन। जितने बार भी वुडरो विल्सन इस चैप्टर में आया तो वुडरो विल्सन ही सही होगा इसमें, ठीक है। 49, लोक प्रशासन उल्लेख करता है एक प्रक्रिया का, एक विषय का, एक अध्ययन क्षेत्र का, उपयुक्त सभी का, तो इस सभी का उल्लेख करता है लोक प्रकाशन प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 50, जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा संबंधित है, जोन ऑफ इंडिफरेंस ये होती है सत्ता से, क्योंकि सत्ता अलग अलग स्टेट में अलग अलग सत्ता होती है, तो डिफरेंस किस में होता है? सत्ता में होता है। क्वेश्चन नंबर 51, किसने कहा सरकार विधि को लागू करने के लिए जो कार्य करती है उसे प्रशासन कहती है? ये कहा है हार्वे वाकर ने। सरकार विधि को लागू करने के लिए जो कार्य करती है उसे प्रशासन कहते हैं, हार्वे वाकर ने कहा है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, पोस्ट कोर्ब में अक्सर बी का अर्थ है, बी से होता है बजट तैयार करना, ठीक है दोस्तों, बी का मतलब होता है बजट तैयार करना, बी फॉर बजट। 53, व्यवहारवाद संबंधित है, व्यवहारवाद होगा समाजवाद से, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है, तो इसका जो जन्मदाता है वो एल्टन मेयो है। किसने कहा लोक प्रशासन विधि को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है, विधि को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है, ये कहा है वुडरो विल्सन। देखो पांच बार ये क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर वुडरो विल्सन है, इसलिए अगर वुडरो विल्सन कहीं पर भी दिख आ जाए तो उसका उसको वुडरो विल्सन ही करना है, ठीक है दोस्तों। पहले चैप्टर में वुडरो विल्सन मैक्सिमम बार आया है और 6 क्वेश्चन में आया वुडरो विल्सन, 6 में से 5 का आंसर वुडरो विल्सन है, एक को छोड़कर बस। क्वेश्चन नंबर 56, लोक प्रकाशन
लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? तो इसका सही जवाब है लूथर गुलिक। 57 नवीन लोक प्रकाशन के जनक है ड्वाइट वाल्डो। होथोर्न प्रयोग का संबंध है ऑप्शन बी वैज्ञानिक प्रबंध से। 59 इनमें से कौन सा नवीन लोक प्रकाशन का मुख्य लक्षण है? तो इसका ऑप्शन डी सामाजिक समता। 60 इनमें से कौन पोस्ट कोर्प का हिस्सा नहीं है? आयोजन निदेशक बजट संप्रेषण। तो ऑप्शन डी संप्रेषण ये हिस्सा नहीं है। 61 व्यवहार मानव व्यवहार की अनिश्चितता के कारण लोक प्रकाशन है कला और विज्ञान दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कला और विज्ञान दोनों। एक बार फिर ये पहले प्रश्न आया था उसका भी आंसर था कला और विज्ञान दोनों। तो इसलिए अगर कला और विज्ञान दोनों आ जाए तो दोनों पे ही टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों कला और विज्ञान दोनों। वह कौन सा विद्वान लेखक है जो लोक प्रकाशन की परिभाषा करते हुए उसकी समन्वयात्मक भूमिका का अधिकार पर जोर देता है? तो फिपनर। इसका सही जवाब हो जाए फिपनर। 63 कौन सा विचारक लोक प्रकाशन के क्षेत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण का समर्थक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल डी वाइट। पोस्ट कोर लोक प्रकाशन के किस पक्ष से संबंधित है? तो ये है क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 65 लोक प्रकाशन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कोर्ब विचार का समर्थक है? तो इसका है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक भी अब तीसरी बार आ गया लूथर गुलिक। 66 पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण के आलोचक हैं? तो ऑप्शन ए मानव संबंध दृष्टिकोण के समर्थक। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 पोस्ट कोर्ब में अक्षर पी से क्या तात्पर्य है? तो पी का मतलब होता है नियोजन, यानी कि ऑप्शन डी सही है पी नियोजन। मुख्यालय अक्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलिया विचार किसका है? यह लूथर गुलिक। तीसरी बार आ गया है लूथर गुलिक। ठीक है दोस्तों लूथर गुलिक। पोल FLB के अनुसार कौन से पहलू सरकारी प्रशासन को निजी प्रशासन से भिन्न बनाते हैं? तो ये तीनों ही सही ऑप्शन है अक्षेत्र की व्यापकता प्रभाव सार्वजनिक उत्तरदायित्व और राजनैतिक प्रकृति। इनके ऑप्शन 1, 2, 3 और ऑप्शन ए सही है। निजी प्रशासन से तात्पर्य है तो इसका ऑप्शन डी गैर सरकारी संस्था या व्यक्ति द्वारा निजी लाभ के लिए किए जाने वाले कार्य। 71 निजी शासन का सर्वाधिक विकसित रूप देखने को मिलता है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका तीन बार आया है, तीन बार ही अमेरिका आंसर है ध्यान रखियो। तीन बार प्रश्न आया हुआ है, अगर विकल्प में संयुक्त राज्य अमेरिका मिलता है तो उसका संयुक्त राज्य अमेरिका ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 72 लोक प्रकाशन के जनक वुड्रो विल्सन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ऑप्शन सी प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने में, यानी कि इसने प्रशासन को जो है राजनीति से अलग करने के बारे में कहा है वुड्रो विल्सन ने। ठीक है दोस्तों ऑप्शन वो क्वेश्चन नंबर 73 राजनीति को प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए, इस विचारधारा के पोषक कौन थे? वुड्रो विल्सन। ऑप्शन सी वुड्रो विल्सन। 8 प्रश्न में आया तो 7 बार वुड्रो विल्सन ही सही है। हमेशा ध्यान रखना अगर कहीं पे वुड्रो विल्सन आ जाए इस चैप्टर में तो वुड्रो विल्सन ही सही है, 7 बार आ गया है वुड्रो विल्सन। क्वेश्चन नंबर 74 लोक प्रशासन का अनेक सामाजिक विज्ञानों से संबंधित होना किसने स्वीकार किया था? ये किया था सिडविक ने। सिडविक ने। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन लोक प्रकाशन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानता? तो ऑप्शन बी हेनरी फेओल। कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है या कथन किसका है? तो दोस्तों इसमें लोक प्रशासन है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा लेविस मैरियम। क्वेश्चन नंबर 77 प्रशासन का पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जो लोक प्रकाशन के प्रारंभिक लेखकों ने अपनाया, ये भी ठीक है। एक तकनीकी दृष्टिकोण है ये भी ठीक है। यह प्रबंधन से संबंधित है यह भी सही है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है तो ऑप्शन डी इनके सभी इसमें सही है। 78 पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण के प्रमुख आलोचक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लेविस मेरियम। ठीक है
लोक प्रकाशन के क्षेत्र, सॉरी दोस्तों, लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्ट कोर दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पोस्ट कोर दृष्टिकोण के समर्थक है, तो इसका सही है सी, उर्विक और फेनरी फ्योल। 81, पोस्ट कोर्ब शब्द में को से तात्पर्य है, को का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ठीक है, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा LD व्हाइट एवं मालस्टेन मार्क्स। 83, निम्नलिखित विचारक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार का भेद करना उचित नहीं समझते, तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सही, ऑप्शन डी, उर्विक हेनरी फ्योल मेरी पार्कर फिलेट, उपयुक्त तीनों, उपयुक्त तीनों। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित समानता है, तो ऑप्शन सी, पद्धतियों का और कार्य प्रक्रिया का की समानता है। निजी प्रशासन का लक्षण नहीं है, ऑप्शन ए, वित्तीय क्षेत्र में बाह्य नियंत्रण। 86, निजी क्षेत्रों में भी आजकल निम्नलिखित तत्वों का बोलबाला बड़ा है, लोक उत्तरदायित्व का, लोकतांत्रिक नियंत्रण का, व्यापक प्रचार का, उपयुक्त तीनों, तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी लगाएंगे, उपयुक्त तीनों। 87, निजी प्रशासन का प्रमुख गुण है, तो जो प्रशासन होता है वो लचीलापन होता है, प्रशासन कैसा होता है, लचीला, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 88, लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न होता है क्योंकि आर्थिक लाभ में। लोक प्रशासन का परिवेशीय दृष्टिकोण किसने प्रतिपादित किया, तो इसका ऑप्शन बी सही है, रिक्स ने। क्वेश्चन नंबर 90, व्यवस्थावादी विचारक के रूप में कौन जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चेस्टर बेनार्ड। 91, नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति है, तो ये हो जाएगी सामाजिक समता, जनभागीदारी, लोकतांत्रिक उन्मुखता या उपयुक्त तीनों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ठीक है दोस्तों, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर किस घटक के कारण है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरदायित्व में, उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 93, निजी एवं लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर किस बिंदु का है, तो यह है उत्तरदायित्व का। देखो दो बार आ गया उत्तरदायित्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन नवीन लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है, तो इसका लोक जो लक्षण नहीं है वो होता है नौकरशाहीकरण। 95, लोक प्रशासन की व्यवहारवादी विचारधारा दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है, तो इसका है वुड्रो विल्सन। देखो वुड्रो विल्सन अब 10 बार आ गया है, 9 बार वुड्रो विल्सन सही है और 1 बार नहीं था। अगर वुड्रो विल्सन कहीं पे देख आ जाए तो उसका हमेशा वुड्रो विल्सन ही होगा। सन 1900 में प्रकाशित पुस्तक राजनीति और प्रशासन के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, F.J. गुडनाउ। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, ये हुआ था 1968 में। 98, पोस्ट कोर्ब शब्द अंग्रेजी कितने शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 7। देखो POSD COR B, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 टोटल वर्ड तो 8 है, लेकिन जो को है को में से केवल सी को लेंगे, इनके जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर इसमें 7 है, तो 7 शब्दों से मिलकर बना है, हमेशा ध्यान रखना ओ इस्तेमाल है, ओ को नेगलेक्ट कर देंगे तो पोस्ट कोर बना है 7 से। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा, किसने कहा है, WB डोन हमने। क्वेश्चन नंबर 100, पोस्ट कोर व्याख्या करता है लोक प्रशासन की तकनीकों की, पोस्ट कोर व्याख्या करता है लोक प्रशासन की तकनीकों की, इनमें से कौन भारत में लोक प्रशासन के पिता के रूप में माना जाता है, तो इसका है डॉक्टर MP शर्मा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, देखो जो पंडित होते हैं, जो शर्मा होते हैं, वही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो इसलिए डॉक्टर MP शर्मा, शर्मा पंडित लोगों को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा माना जाता है, यानी कि बड़ा धर्म माना जाता है, जाति मानी जाती है कौन सी, पंडित होगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर MP शर्मा।
लोक प्रशासन की शब्दावली में ओ और एम का अर्थ है संगठन और प्रबंध। ओ से ऑर्गेनाइजेशन होती है संगठन, एम से होता है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध, इसलिए ओ और एम का अर्थ है संगठन और प्रबंध। मिन्नो ब्रुक सम्मेलन से आरंभ हुआ, इसे हुआ नवीन लोक प्रशासन। मिन्नो, मिन्नो से होता है नवीन यानी कि नया, नवीन लोक प्रशासन का। पोस्ट कोर्ब में शब्द डी का अर्थ है निर्देशन, डी का मतलब होता है निर्देशन करना। नवलोक प्रशासन की प्रमुख प्रवृत्ति है प्रासंगिकता, मूल्योन्मुखता, सामाजिक न्याय, उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी सही है। सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रमुख विशेषता है लोक प्रशासन की, और लोक प्रशासन ही हम पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन। सम्मिलित कीजिए, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, किसने कहा था? WF विलोबी ने। लोक प्रशासन एक कला है, यह कहा था MP शर्मा ने। निजी और लोक प्रशासन में कोई अंतर नहीं है, ये कहा था L उर्विक ने। व्यवहारवादी उपागम कहा था RA डहल ने। 108, ऐसे ही ये प्रश्न दिए हुए इसमें, ठीक है दोस्तों। देखो 111 में दिया स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका लेख है, यह वुड्रो विल्सन। देखो ये क्वेश्चन 12 बार आ गया है, 11 बार वुड्रो विल्सन है और एक बार नहीं, यानी कि वुड्रो विल्सन अगर कहीं पे देख दी आ जाए तो हमेशा वुड्रो विल्सन ही करेंगे। फिर आ गया वुड्रो विल्सन द्वारा 1887 में किस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था, यह द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा था? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। 113, सर्वप्रथम प्रशासकीय इतिहास लिखने का वैधानिक कार्य किया डॉक्टर LD हाइट ने। पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक है पॉल एच एप्पलबी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन CPH FLB द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये लिखी, इसका सही जवाब हो जाएगा बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 117, मूने तथा रैले ने पद सोपान के सिद्धांत को अपनाया। पद सोपान, सोपान का मतलब होता है सीढ़ियाँ, तो इसलिए ऑप्शन बी सीढ़ी प्रक्रिया इसका सही हो जाएगा। लोक प्रशासन पाठ्यक्रम एक स्वतंत्र विभाग के रूप में सबसे पहले 1949 में किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ, तो ये हुआ इलाहाबाद। इस चैप्टर में इलाहाबाद 2 बार आया है और दोनों बार ही इलाहाबाद सही है, ठीक है दोस्तों। कौटिल्य द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो कौटिल्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र जिसका संबंध है राजनीति से, तो दोस्तों कौटिल्य द्वारा जो बुक लिखी गई थी अर्थशास्त्र लिखी गई थी। और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वुड्रो विल्सन 12 बार आया हुआ है और 11 बार वुड्रो विल्सन ही सही है, हमेशा याद रखना। देखो मैं इसमें कई ट्रिक बताऊंगा, अगर वुड्रो विल्सन कहीं पे आ जाए तो आँख मीच के वुड्रो विल्सन पे टिक लगा देना। इलाहाबाद इसमें 2 बार आया है यूनिवर्सिटी के रूप में, तो इलाहाबाद इसका सही है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2 बार आया हुआ है यानी कि अमेरिका, यानी 3 बार आया हुआ है, सॉरी 3 बार, तो तीनों बार संयुक्त राज्य अमेरिका है। वुड्रो विल्सन 11 बार आया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2 बार आई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अपना एग्जाम करना है और ध्यान रखना 2020 के जो BA MA फाइनल ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है 100 क्वेश्चन होंगे, हमें केवल 75 क्वेश्चन करने हैं, जो हम पे आते हैं केवल वही 75 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोग कुछ भी डाउट है तो जो टीचर की जिस टीचर की ड्यूटी लगी रहेगी आपके रूम में, आप उनसे पूछ सकते हैं। और इकाई 2 संगठन के आधार, कार्यात्मक आधार पर प्रमुखता संगठन के सिद्धांत, तो इसलिए दोस्तों मैंने इकाई 1 की वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप लोगों को कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पेपर 2 की वीडियो मिलेगी। इसके लिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना है, अगर आपको इकाई 2 पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं कि हमें इकाई 2 की भी वीडियो बनाओ, ठीक है। तो आपको इकाई 2 की वीडियो भी आपको इस प्रकार से मिलेगी। ट्रिक वाइज ट्रिक क्या थी इसमें, अमेरिका 3 बार आया है तो अमेरिका लगाना है, वुड्रो विल्सन 12 बार आया है तो 11 बार वुड्रो विल्सन ही सही था इसमें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2 बार आई है तो दोनों बार इलाहाबाद ही सही था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।